नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने की हिंदी सेवा सम्मान की घोषणा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड धारकों को आ रही है परेशानी। सीटीईटी पास लड़कियों ने ट्विटर पर चलाया मेहंदी अभियान। बारिश को लेकर आज भी पूरे बिहार में जारी है अलर्ट। जदयू ने लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बताया अंतर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी स्टार्टअप कंपनियां। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसी कड़ी में बिहार में भी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव लेने की जतन में जुटी राज्य सरकार अब बेहतर परिणाम देने वाली स्टार्टअप कंपनियों को मौका देने पर विचार कर रही है, जिसके बाद अगर इस विचार पर अमल किया गया तो स्टार्टअप कंपनियों का पहला प्रयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। साथ ही बिहार के सभी विश्वविद्यालय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसकी साझेदार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियां होंगी। हालांकि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी की माने तो फिलहाल स्टार्टअप कंपनियों को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल इस मामले पर विचार विमर्श चल रहा है। जेईई मेन तीसरी चरण की परीक्षा आज से होगी शुरू। कोरोना के कारण कई प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद परीक्षा के आयोजन को लेकर एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके तहत ही आज जेईई मेन तीसरे चरण की परीक्षा शुरू होने वाली है, जो कि 25 जुलाई तक जारी रहेगी। वहीं जेईई मेन 2021 चौथे सत्र की परीक्षा 26, 27 और 1 और 2 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए अभी तक कुल मिलाकर 7.32 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस चरण की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा में 4 हफ्तों का गैप रखा जाए। तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा में 4 हफ्तों का गैप रखा गया है। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मुख्यमंत्री ने दिया बयान। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण कई लोग अपना गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन सरकार फिर भी महंगाई के मुद्दे को लेकर टस से मस नहीं हो रही है। वहीं अब इस मुद्दे को सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया गया है, जिसके बाद उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हां, दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन मूल्य रोकने के लिए क्या उपाय करें, इस पर अभी विचार नहीं किया गया है। सरकार टैक्स कम करने पर हालांकि विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने संजय राउत के भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन लेने वाले बयान पर कहा कि ऐसे लोगों को हम नोटिस में नहीं लेते हैं। किसको छोड़कर कहां गया है, किसको छोड़कर कहां आने वाला है, ये तो वो जाने। हम लोग बिना वजह किसी से भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। आज बिहारी वो 3 स्पेशल में हम बात करेंगे अशोक कुमार की। अशोक कुमार का जन्म आज ही के दिन बिहार में साल 1983 को हुआ था। अशोक कुमार भारत के एक पेशेवर गोल्फर है, जो वर्तमान में भारत के पेशेवर गोल्फ टूर पर खेल रहे हैं, जहां वो 2003, 4 और 2006-07 के ऑर्डर ऑफ मेरिट विजेता थे। कुमार का जन्म 1983 में बिहार में हुआ था और 2002 में पेशेवर बन गए। 2004 में उन्होंने 2003-04 सीजन के लिए हीरो होंडा गोल्फ टूर अवार्ड ऑफ मेरिट जीता था। खेले गए 8 मुकाबले में 5 जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने 2006-07 में PGTI के नाम से इसे फिर से जीता। कुमार ने 2008 में 12 इवेंट खेले, लेकिन 8 बार टॉप 10 में जगह बनाकर जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। कुमार ने 2009 में अप्रैल में ऑल इंडिया मैच प्ले चैंपियनशिप में एक और बार जीत दर्ज की थी। बारिश को लेकर आज भी पूरे बिहार में जारी है अलर्ट। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। यही कारण है कि रविवार से बिहार में बारिश के आसार बने हुए हैं। कई जिलों में इस दौरान काफी बारिश भी हुई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के संजय कुमार का कहना है कि मॉनसून प्रदेश में फिर सक्रिय है, इस कारण झमाझम बारिश हो रही है। वर्तमान में मॉनसून की ट्रफ लाइन राजस्थान के गंगानगर से लेकर अलीगढ़, कानपुर, डाल्टेनगंज, शांति निकेतन, चेरापूंजी तक गुजर रही है। उसका प्रभाव बिहार में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा मध्य असम में चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। 21 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड धारकों को आ रही है परेशानी। लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के चलते शैक्षणिक सत्र बाधित हुआ है, जिससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से संबंधित प्रक्रिया बाधित हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लगभग सभी शिक्षण संस्थानों ने अपने शैक्षणिक सत्र भी आगे बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड धारक छात्रों को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोन संबंधी प्रपत्र रूटीन सत्र के हिसाब से ही प्रोसेस में है। इसको लेकर लोन मंजूरी करने वाली एजेंसी के सामने दस्तावेज मिसमैच हो रहे हैं, जिसके कारण लोन केस मंजूर होने में दिक्कत आ रही है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस क्षेत्र में जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने का फैसला लिया है। सीटीई
सीटीईटी पास लड़कियों ने ट्विटर पर चलाया मेहंदी अभियान। सीटीईटी पास महिला अभ्यर्थियों ने सातवें चरण के नियोजन की मांग को लेकर ट्विटर पर एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसके तहत महिला अभ्यर्थियों ने मेहंदी से हाथों पर नियोजन की मांग सजाकर शिक्षा मंत्री से लेकर प्रदेश के तमाम अधिकारियों तक अपनी मांग पहुंचाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर काउंसलिंग जारी है। ऐसे में सीटीईटी एसटीईटी 2019 पास अभ्यर्थियों ने सरकार से सातवें चरण के लिए मांग की है। इसको लेकर लगातार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को मेंशन करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का हाथों पर नियोजन संबंधी लगाई गई मेहंदी छाई रही। बिहार में सीओ और थानेदार की बैठक में जमीन विवाद सुलझाने की बनेगी व्यवस्था। बिहार में अब जमीन विवाद के निपटारे को लेकर बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक खास पहल करने जा रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो हर शनिवार को अंचल स्तर पर सीओ और थानेदार की बैठक होती है, जहां पर चौकीदार और दफादार अपने पंचायत की जमीन विवाद की जानकारी देते हैं। हालांकि मौके पर दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं, लेकिन अब पंचायती को सहज बनाने के लिए राजस्व विभाग विवाद को वर्गीकृत करने की योजना पर काम कर रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं जो राजस्व न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में लंबित है। जानकारी के अभाव में रैयत इन विवादों के निपटारे के लिए भी सीओ थानेदार की बैठक में आ जाते हैं। इस मामले को देख रहे आईपीएस अधिकारी एवं विभाग के संयुक्त सचिव सीपी विद्यार्थी ने इसे अपने विषय का बताया है। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहुंची बिहार की अंजुना। बिहार की अंजुना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है, जिसके तहत अंजुना को रैंकिंग में 199वां स्थान मिला है, जिसके तहत बैडमिंटन के फील्ड में टॉप 200 रैंकिंग में पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हो गई है। औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड के रतनपुर की रहने वाली अंजुना ने 2012 में 12 साल की उम्र में बैडमिंटन में अपने करियर की शुरुआत की और अपने प्रदर्शन से 2 साल के अंदर ही वो राष्ट्रीय स्तर पर गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व करने लगी। साल 2015 में वो गोवा में अलग अलग कैटेगरी में नंबर 1 खिलाड़ी है। आपको बता दें, अंजुना ने सर्किट में अक्टूबर 2019 से भाग लेना शुरू किया और कुछ ही प्रतियोगिता में भाग लेकर वो विश्व की श्रेष्ठ 250 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई थी। फिर से बिगड़ी तेज प्रताप यादव की तबीयत। बीते कई दिनों से तेज प्रताप यादव की तबीयत कई बार खराब हो चुकी है। अब भी कुछ दिनों पहले जहां तेज प्रताप यादव ने सांस लेने में तकलीफ जताई थी, वहीं एक बार फिर से बीते दिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। साथ ही पेट दर्द की शिकायत होने के कारण अल्ट्रासाउंड भी किया है। ज्ञात हो, इससे पहले 6 जुलाई को भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब तेजस्वी यादव भी आनन-फानन में उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त भी डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया था और डरने की किसी भी बात से किया था, जिसके बाद अब बीते दिन से फिर से उन्हें वही परेशानी शुरू हो गई है। हालांकि डॉक्टर ने फिर से उनकी स्थिति को स्थिर बताया है। बिहार सरकार ने की हिंदी सेवा सम्मान की घोषणा। बीते दिन बिहार सरकार ने हिंदी सेवा सम्मान और पुरस्कार की घोषणा कर दी है, जिसके तहत सरकार ने पुरस्कार से अलंकृत 15 विभूतियों के नाम की घोषणा भी कर दी। जानकारों की माने तो इस सूची में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, डॉक्टर अशोक कुमार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार, मृणाल पांडे को जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार, सुशीला टॉक भोरे को बीपी मंडल पुरस्कार, कवि सत्यनारायण को नागार्जुन पुरस्कार, रामश्रेष्ठ दीवाना को राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार, जाबिर हुसैन को फणीश्वर रेणु पुरस्कार, डॉक्टर पूनम सिंह को महादेवी वर्मा पुरस्कार, केरल की बंजा को बाबू गंगा शरण सिंह सम्मान, हैदराबाद की दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा के विद्याकर कवि पुरस्कार, गीताश्री को मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार, डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि को भिखारी ठाकुर पुरस्कार, भगवती प्रसाद द्विवेदी को डॉक्टर ग्रियसर्न पुरस्कार, डॉक्टर छाया सिन्हा को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार और अनंत विजय को विद्यापति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट से सर्वाधिक यात्रियों के आवागमन का टूटा रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट ने अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज किया है, वहीं अब एयरपोर्ट ने अपने नाम एक और नया कीर्तिमान दर्ज कर लिया है, जिसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट से सर्वाधिक यात्रियों के आवागमन का रिकॉर्ड टूट गया है। 18 जुलाई को अब तक से सबसे ज्यादा 2,855 यात्रियों ने कुल 18 फ्लाइट में आवागमन किया। एयरपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार औसतन एक हवाई जहाज पर 158 से अधिक लोगों ने सवारी की। इससे पहले 10 जुलाई को 2,805 पैसेंजरों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन की थी। इस 20 फ्लाइटों का आवागमन हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कम समय में ही यात्रियों के अच्छे रिस्पांस के मद्देनजर दरभंगा एयरपोर्ट नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हालांकि अभी भी टर्मिनल पर कम जगह के कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। बिहार में शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने का रास्ता हुआ साफ। राज्य के नियोजन इकाइयों के गुजर चुके
शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने के लिए उनके लिए सृजित पदों का रास्ता साफ हो गया है, जिसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग के महालेखागार ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। ज्ञात हो शिक्षा विभाग ने 1172 विद्यालय सहायक लिपिक और 1129 विद्यालय परिचारी आदेशपाल पदों का सृजन कर विभागीय सहमति ली थी और इस पर वित्त विभाग से सहमति लेकर महालेखागार के पास भेजा गया था, जिसके बाद अब बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ध्यान रहे, इसका लाभ लेने के लिए आश्रितों को उसी नियोजन इकाई में अनुकंपा बहाली के लिए आवेदन करना होगा जहां पर उनके अभिभावक बहाल थे। बिहार में बंद लगभग 150 कैदी समय से पहले होंगे रिहा। बिहार की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। हालांकि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल में कैदियों की संख्या कम करने को लेकर आदेश जारी किया था, जिसके तहत अब बहुत जल्द इन जेलों में बंद कई वैसे कैदी बाहर आएंगे जिनकी सजा पूरी होने की कगार पर है। इसको लेकर राज्य कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न जेलों में बंद करीब 150 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब इन्हें सजा पूरी होने की तारीख से 2 से 6 महीने पहले छोड़ा जा रहा है। इस बाबत जेल आईजी मिथिलेश कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इन जेलों में बंद वैसे सजायाफ्ता कैदी जो अधिकतम सजा काट चुके हैं और अब जिनकी सिर्फ 6 महीने की सजा की अवधि बाकी रह गई है, उन्हें रिहा किए जाने की तैयारी चल रही है। बिहार झारखंड के SBI ग्राहकों का बंद हो सकता है अकाउंट। बिहार झारखंड के सभी SBI कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना। SBI ने हाल ही में अपने यूजर के लिए जरूरी सूचना जारी की है, जिसके तहत बैंक ने साफ कहा है कि जिन ग्राहकों के अकाउंट से पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, ऐसे ग्राहक जल्द से जल्द अपना पैन नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट कर ले। इसको लेकर बैंक ने 30 सितंबर तक का समय अपने ग्राहक को दिया है। गौर करने की बात यह है कि किसी भी तरह के आर्थिक लेनदेन के लिए पैन होना अनिवार्य है। सीएम नीतीश के जनता दरबार में नल जल योजना की खुली पोल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दूसरे सोमवार को जनता के दरबार में हाजिर होकर लोगों की फरियाद सुनते देखे गए। मुख्यमंत्री के दरबार में बीते दिन सीएम नीतीश के साथ निश्चय योजना की पोल भी खुल गई। नल जल और नली गली योजना में भारी धांधली से लेकर कई अन्य विभागों में भारी गड़बड़ी की शिकायत की गई। बांका के शंभूगंज CO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीएम ने तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। सीएम के गृह जिले से आए एक फरियादी ने शिकायत करते हुए कहा कि गिरियक बाजार के नाली का पानी निजी जमीन में गिरता है, जबकि सरकारी पैन का अतिक्रमण किया गया है। सीएम नीतीश ने इस पर आश्चर्य जताया है। इधर मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण से आए शिकायतकर्ताओं ने सीएम से कहा कि नल जल योजना में भारी गड़बड़ी है, दिखावे के लिए टंकी लगा दिया गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, पाइप भी बहुत घटिया लगाया गया है। राजद में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर अभी भी पार्टी के अंदर कलह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो जगदानंद सिंह अभी भी नाराज चल रहे हैं। वहीं जगदानंद सिंह की दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात के बाद अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। इसी बीच बीते दिन तेजस्वी को भी दिल्ली तलब किया गया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव अपने सभी कार्यक्रम को छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए थे। जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में जगदानंद सिंह को मनाने की कोशिश करने वाले हैं। हालांकि जगदानंद सिंह ने पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक होने का दावा पहले ही किया है। जदयू ने लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बताया अंतर। बीते दिन बिहार में एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पर जदयू ने भी इसे सेवा भाव का नाम दिया है। साथ ही इस दौरान जदयू की तरफ से लालू और नीतीश कुमार में क्या अंतर है, इसका खुलासा किया गया, जिसके तहत पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के बीच रहने और सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, इसके उलट पूरा घोटालू परिवार अपने लूटपाट के लिए मशहूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे सोमवार जनता दरबार का आयोजन किया है। जनसेवा की यही ईमानदार भावना हमारे नेता को देश के अन्य नेताओं से अलग बनाती है। राजद कार्यकर्ताओं ने किया अनूठा विरोध प्रदर्शन। 18 जुलाई को प्रखंड स्तर पर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के बाद बीते दिन जिला स्तर पर राजद का विरोध देखा गया, जिसके तहत राजद के तमाम जिला मुख्यालयों में राजद के नेता और कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिससे मुजफ्फरपुर और नवादा में अनूठे ढंग का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिसके तहत राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान बैलगाड़ी पर बैठकर महानगर राजद के सदस्य समाहरणालय पहुंचे और जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया। वहीं इसके अलावा शहर के प्रमुख मार्ग सहित चौक चौराहे पर विरोध जुलूस निकाला गया। जुलूस में बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी को शामिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ नवादा में महंगाई के विरोध में राजद विधायकों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विधायकों ने कहा है कि अगर नहीं हुई महंगाई दर कम तो वो बैलगाड़ी से सदन पहुंचेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। माधवराज 1761 में प्रथम पेशवा बने। फोर्ड मोटर कंपनी ने 1903 में अपनी पहली कार बाजार में उतारी। बंगाल के पहले विभाजन को 1905 में भारतीय सचिव ने मंजूरी दी थी।
रामनाथ कोविंद 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित आज के दिन हुए थे। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तथा प्रतिभाशाली अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को आज के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को हुआ था। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का निधन 1966 में आज के दिन हुआ था। बिहार के सियासी गलियारे से भी आई ईशान किशन के लिए शुभकामनाएं। श्रीलंका के खिलाफ बिहार के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी बेहतरीन पारी से भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं ईशान ने इस मैच के दौरान शुरुआत ही छक्के से की थी और अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बाद ईशान किशन की इस उपलब्धि की गूंज देश भर के साथ साथ बिहार में भी पहुंच गई है। यही कारण है कि बिहार में भी ईशान को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ईशान की इस सफलता पर बधाई दी, जिसके तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार के लाल ईशान किशन को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्वास है कि आप इसी तरह भविष्य में भी बिहार एवं देश को गौरवान्वित करेंगे। अब फास्टैग से भरवाएं इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल डीजल। अक्सर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आपको अपने पास कैश या कार्ड रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप कभी ऐसा करना भूल जाए तो आपको बगैर पेट्रोल के ही गाड़ी चलाना पड़ता था। लेकिन अब आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि अब आप गाड़ी पर लगने वाले फास्टैग से इंडियन ऑयल के किसी भी स्टेशन से डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हैं, क्योंकि फास्टैग आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इसलिए उसको यह वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके आप अपने डीजल पेट्रोल या लुब्रिकेंट का बिल चुका सकते हैं। धोखाधड़ी रोकने के लिए ओटीपी का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में क्रेडिट या डेबिट कार्ड को स्वाइप करने से भी कम समय लगेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,040 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,040 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.39 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.64 रुपए प्रति लीटर थी। पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन मामले में दिया आदेश। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसके तहत कोर्ट ने जानना चाहा कि अभी तक पाटलिपुत्र रेल स्टेशन की हालत सुधरने और यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त मामले को लेकर भरत प्रसाद सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज शहरी विकास विभाग और सरकार निर्माण के प्रधान सचिव को तलब किया है। इसके साथ ही पटना के डीएम और दानापुर के डीआरएम को डिजिटल माध्यम के जरिए उपस्थित रहने को कहा गया है। व्हाट्सएप चैट लिस्ट में सबसे ऊपर दिख रहे आर्काइव्ड बॉक्स को आसानी से हटाएं। आज हम आपको आर्काइव चैट से जुड़ी एक खास ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। आर्काइव चैट में नए मैसेजेस ड्रॉप होते ही आर्काइव चैट बॉक्स व्हाट्सएप चैट लिस्ट की स्क्रीन में सबसे टॉप पर दिखने लगता है। हालांकि अब आप इसको हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन करें और स्क्रीन में ऊपर की तरफ मौजूदा आर्काइव बॉक्स पर टैप करें। ऐसा करते ही व्हाट्सएप आपकी सारी आर्काइव चैट्स को खोल देगा। इसके बाद आर्काइव के बगल में दिए गए तीन डॉट वाले आइकॉन पर टैप करें। इसके बाद आर्काइव सेटिंग्स पर टैप करें। यहां आपको कीप चैट्स आर्काइव का ऑप्शन दिखेगा। इसे आपको टॉगल से डिसेबल करना है। ऐसा करते ही आर्काइव बॉक्स स्क्रीन में चैट लिस्ट के ऊपर से हट जाएगा। इस ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद सभी आर्काइव चैट से बाहर आ जाएंगी और आप अपने नॉर्मल चैट की तरह इसे देख सकेंगे और उनमें आने वाले नए मैसेजेस को भी पढ़ सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, आयान बाबू, दीपक कुमार, श्रवण कुमार, दिव्या भारती, विकास प्रजापति, नवीन कुमार, कुंदन कुमार, कुमार दीपक, राहुल ठाकुर, शारजा कुमार, मनोज कुमार, शिवम कुमार, बहादुर चौधरी, दयानंद कुमार, टिंकू सिंह, आमिर इकबाल, राजू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में मिली जीत में किस खिलाड़ी की भूमिका सबसे ज्यादा थी। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।